श्रावण कृष्ण एकादशी के पर्व पर सोमनाथ महादेव को किया गया है पवित्र वैष्णव दर्शन श्रृंगार। भगवान विष्णु और शिव के एकात्मा का सर्वोच्च प्रदर्शन माना जाता है शिव जी का वैष्णव दर्शन श्रृंगार। सोमनाथ महादेव के इस श्रृंगार में वल्लभाचार्य, महारानी यमुना एवं भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ जी स्वरूप स्वयं विराजमान होते हैं। सोमनाथ महादेव के ज्योतिर्लिंग को श्रीनाथ जी स्वरूप आभूषित किया जाता है और भगवान विष्णु और शिव की एकात्मता का प्रदर्शन किया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना केवल शिवालयों में ही नहीं होती बल्कि वैष्णव भी शिव जी का गुणगान करते हैं। भगवान शिव वैष्णवों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। इनसे बड़ा कोई वैष्णव न भूतो न भविष्यति हुआ है। भागवत के द्वादश स्कंद में इसकी चर्चा है। अध्याय 13 का एक श्लोक कहता है कि निम्न गानाम यथा गंगा देव नाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभुः पुराणानाम इदं तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, उसी तरह वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। सोमनाथ की भूमि को हरिहर की भूमि कहा जाता है, जहां भगवान सोमनाथ ने चंद्रमा का उद्धार किया। जिस भूमि से भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर वैकुंठ गमन किया, इस भूमि पर भगवान विष्णु और शिव एक समान विराजमान हैं। श्रद्धालु जब प्रभास में आते हैं तो वे भगवान सोमनाथ के साथ श्री कृष्ण स्वरूपी भगवान विष्णु के भी आशीर्वाद पाते हैं। जय सोमनाथ, जय श्री कृष्ण।